नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेपाल की सियासत में चंद्रोज की शांति के बाद फिर से घमासान शुरू हो गया है। कल नेपाल में पूरे दिन प्रचंड और ओली के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। प्रचंड जहां ओली का पत्ता साफ करने का प्लान तैयार किए बैठे थे, वहीं ओली कुछ घंटे के लिए लापता हो गए। स्थिति यह हुई कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर ही पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुला ली, मगर चीनी धोती छाप ओली कहीं ज्यादा साथी निकला। ओली अपने आवास से भी नदारद हो गया, यानी नेपाल की सियासत में मैं डाल डाल तू पात पात में ओली फिर से गच्चा दे गया। पर कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। केपी शर्मा ओली की उल्टी गिनती बड़ी तेजी से गिनी जा रही है। ओली का अब नेपाल की सत्ता में टिके रहना मुश्किल हो गया है। ओली बैठक में उपस्थित नहीं हुए तो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नौवीं बार स्थगित कर दी गई। इससे साफ हो गया कि पार्टी अभी दो फाड़ की स्थिति में है और चीनी धोती छाप ओली के पास अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं है। पर इसी बीच ओली एक बड़ा दांव चलकर नेपाल की सत्ता में भूचाल लाने का प्लान तैयार कर चुके हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि नेपाल के पीएम की राह में कांटे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन्होंने प्रचंड गुट को अपनी चाल से मात देने की तैयारी कर ली है। नेपाल के अखबार कांतिपुर के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ओली को लगता है कि उन्होंने भारत विरोध के नाम पर राष्ट्रवाद की जो अलग जगाई है उसने उन्हें सबसे अलग बना दिया है, यानी अपने धुर विरोधी पुष्पमल दयाल प्रचंड को मात देने का ओली ने यह नया अखंडा तैयार किया है। इसलिए आज के बाद 65 बरस वाले किसी टोपीधारी नेपाली को गौ समझने की भूल मत करना, अन्यथा काठमांडू के किसी मंदिर में भीख मांगनी पड़ सकती है। यह चीनी धोती छाप हर बदलते दिन के साथ हर नए अखंडे इस्तेमाल करता जा रहा है, जिससे इसकी सत्ता की भूख साफ साफ दिखती है। इसकी मक्कारी प्रवृत्ति से यह भी झलकता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों के बीच रिश्ते बनने के आसार बहुत कम बचे हैं। ओली ने सारे गुणा भाग का अपने दशमलव से गणित बिगाड़ दिया है। मंगलवार को हुई बैठक में अगर ओली शामिल हो जाता तो उसका भविष्य कल ही तय हो गया होता, पर ओली चालबाज निकला, वह बैठक तो दूर अपने आवास से ही चंपत हो गया। प्रचंड 3 बजे तक उनके दरवाजे पर पड़े रहे, साथ में 45 में से 25 सदस्य भी उसका इंतजार करते रहे, पर चालू ओली ने मोबाइल का स्विच ऑफ तक कर लिया। ओली जानता था कि अगर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गया तो उसका पायजामा आज ही खूंटी पर लटक सकता है। इधर एक और चौंकाने वाली जानकारी ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह चीनी धोती छाप इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अब उसने पार्टी का तियापाचक करने का ही प्लान बना लिया है। ओली पार्टी के बंटवारे का ददेश लाने पर विचार कर रहा है। वह ऐसा करके पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हाथ साफ करने के चक्कर में है। बूढ़ा चालू है, इसलिए प्रचंड से 8 कदम आगे चल रहा है। चुनाव चिन्ह कब जाने के अलावा मध्यावधि चुनाव के लिए ओली दिमाग भिड़ा रहा है। पर हकीकत यह है कि इस चीनी धोती छाप का पायजामा फटने के करीब है। उसके लिए दोनों ही राह मुश्किल है। इसलिए जब समुद्र में डूबने की घड़ी आती है तो हाथ पैर कितने जोर से भी पीटे कोई फायदा नहीं रहता है। केपी शर्मा ओली जैसे चालू बुढ़ऊ की हालत भी कमोबस यही है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल की राजनीति में पैदा संकट के बाद चीन का हस्तक्षेप हद से ज्यादा बढ़ गया है। चीन की राजदूत हाओयांग की देश के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है। यह किसी देश की घरेलू राजनीति में किसी विदेशी हस्तक्षेप का गंभीर मामला है। हालत यह है कि 65 साल के इस बुढ़ऊ के साथ यांकी का नाम भी जोड़ा जा रहा है। चर्चा है कि इन दोनों के बीच गहरे आंतरिक संबंध है। अब नेपाल में भी दबी जुबान से ओली और हाओयांगकी के आंतरिक रिश्ते पर भी सवाल उठने लगे हैं। यांकी केवल इस वजह से ही ओली के लिए नहीं दौड़ रही है कि वह चीन के चाटुकार हैं, बल्कि इन दोनों के अवैध रिश्ते भी इस खेल में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाओयांगकी नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से 2 बार मुलाकात कर चुकी है। जिस तरह वह ओली पर लट्टू हो रही है, इसको लेकर ओली को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, मगर ये चीनी राजदूत इससे बेपरवाह ओली को बचाने में जी जान से जुटी है। लोग हाओयांगकी की इस दीवानगी के अलग अलग तरह से मतलब निकाल रहे हैं। आज नेपाल में जिस हाओयांगकी की चर्चा हो रही है वह खूबसूरत महिलाओं में शुमार है। वह लगभग 2 साल से नेपाल में चीन की राजदूत है। कहा तो यह भी जाता है कि यांकी चीन की खुफिया एजेंसी MMS के लिए भी गुप्त मिशन पर काम करती है। नेपाल में उनकी खूबसूरती की चर्चा जोरों पर है। यांकी कई बार नेपाल के स्थानीय कार्यक्रमों में लहंगा पहनकर डांस भी कर चुकी है।
बताया जाता है कि चीन द्वारा यांकी को नेपाल में भेजने के पीछे ओली का मनमोजी स्वभाव का फायदा उठाना है। यांकी का मकसद भी यही है कि नेपाल में भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए ओली के चरित्र का फायदा उठाकर उन्हें भारत के खिलाफ करने में यांकी की खूबसूरती बड़ी भूमिका निभा रही है। यह एक तरह से चीनी दूतावास का वह हनी ट्रैप है जहां एक व्यक्ति अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए पूरे नेपाल का भविष्य दांव पर लगा रहा है। कहा जा रहा है कि रंग मिजाज ओली के कई आपत्तिजनक वीडियो यांकी के पास मौजूद है जिन्हें दिखाकर वह ओली को अपने सारे पर नचा रही है। बड़ी बात यह है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, नेपाली भाषाओं की जानकार हाउ यांकी एक बेटे की मां भी है। 1970 की पैदाइश, यांकी के चंगुल में फंसा ओली उसके एक संकेत पर कुछ भी कर सकता है। यानी एक प्रकार से ओली की आड़ में चीन नेपाल की सत्ता को बीजिंग से ऑपरेट कर रहा है। इसका नजारा भी उस वक्त देखने को मिला जब चीन पर नेपाल की जमीन कब्जाने के आरोप लगाए गए। ओली ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि उन्होंने यह जमीन चीन को दान की है। वैसे भी नेपाल के कम्युनिस्ट चरित्र के मामले में बहुत ही ढीले रहे हैं। नेपाल में कम्युनिज्म की शुरुआत से लेकर सत्ता तक पहुंचने से यहां दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें से केवल 2% ही सामने आ पाई, बाकी को बंदूक के नोक के बल पर दबा दिया गया। बताया जाता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पमल दहल प्रचंड को भी हाउ यांकी ने अपने मोहपास में बांधने का प्रयत्न किया था, मगर प्रचंड ओली प्रकरण के बाद बेहद सतर्क हो गए हैं। प्रचंड हाउ यांकी से मुलाकात के वक्त अपने सहयोगियों को साथ रखने लगे हैं, जबकि यांकी ने उन्हें अकेले में मुलाकात करने के कई ऑफर दिए थे, मगर प्रचंड ने साफ कर दिया है कि वे अकेले कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। पार्टी के बाकी सदस्यों का उनके साथ होना जरूरी है। इसका साफ मतलब है कि प्रचंड को आभास हो चुका है कि बुढ़ऊ ओली कोई ना कोई गुल खिला चुके हैं। बड़ी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से लेकर हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर ओली अब हाउ यांकी की राय लेना जरूरी समझते हैं, जबकि अपने फैसलों से वे पार्टी को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं। ओली के खाते में हर महीने $5,00,000 की अलग से ट्रांसफर होती है। इस पैसे के स्रोत के बारे में पार्टी ने ओली से जानकारी चाही थी, मगर वे आज तक भी इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। हाउ यांकी की उससे नजदीकियों के बारे में भी प्रचंड गुट ने जानने की कोशिश की थी, मगर ओली से चीन नेपाल की बढ़ती दोस्ती कहकर चलते बने। हकीकत यही है कि यह दोस्ती नहीं लैला मजनू की पटकथा है, जिसमें मजनू बना ओली लैला के नाम पर नेपाल की जमीन को गिरवी रखता जा रहा है। इसलिए हनी ट्रैप के साथ इसमें मनी ट्रैप भी जुड़ गया है, जहां ओली को स्वभाव के साथ माया भी परोसी जा रही है, जबकि रंगीन मिजाज ओली इसके समंदर में दीवाना बना गोते लगा रहा है। पर सवाल यही है कि जब किसी देश की सत्ता में सर्वोच्च पद पर विराजमान ओली जैसे लोग सौदों वाली हरकतों को वरीयता देने लगते हैं, तब उस देश के पूरे चरित्र पर उंगली उठना लाजमी है, क्योंकि किसी भी मुल्क की विचारधारा और उसकी नीतियों को प्रदर्शित करने में उसके नेताओं का बड़ा योगदान होता है। ओली की हरकतें संवैधानिक रूप से कहीं भी सही नहीं ठहरती है। अपने चरित्र को बचाने की आड़ में वे पार्टी की नीतियों और संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं। उनके लिए देश और पार्टी से बढ़कर व्यक्तिगत अहम ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर जिस प्रकार ओली के चरित्र पर सवाल उठे हैं और उनका नाम चीन की खूबसूरत राजदूत के साथ जोड़ा जा रहा है, वह सामान्य मामला नहीं है। यह नेपाल की उस राजशाही की याद दिलाता है जहां इस तरह के कारनामे आम बात हुआ करती थी। पर लगता यूं है कि नेपाल में कम्युनिज्म केवल जनता को खुश करने के लिए एक आवरण है, उसके पीछे रंगीन मिजाजी का खेल पूर्ववत जारी है। पर ओली जैसे नेता की वजह से आज नेपाल की उस जनता को भी ठगा हुआ महसूस किया जा सकता है जिन्होंने राजशाही के खात्मे के लिए इन साम्यवादी के बहकावे में अपने बच्चे खोए हैं। आज इस हिमालयी देश में न साम्यवाद है, न समाजवाद है, पूंजीवाद केवल ओली जैसे रंगीन मिजाजों के लिए हथियार है। यह देश गरीब तो पहले से ही था, अब चरित्रहीन का ठप्पा भी लग गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।